नमस्कार, आईएनडी फेस टू फेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आज हम चर्चा करेंगे अमित बघेल जी से, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष भी हैं। अमित जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार छत्तीसगढ़। अमित जी, सबसे पहली मैं छत्तीसगढ़ी में आपसे बात करूँ। मोर पहला प्रश्न ये है कि ऐसे का उद्देश्य है या का वजह है जेकर वजह से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छत्तीसगढ़ में उदय हुई से? छत्तीसगढ़ राज हमर पुरखा मन सपना देखिस और ये पा एक सपना देखिस छत्तीसगढ़ राज के कि छत्तीसगढ़ राज बनी तो यहाँ छत्तीसगढ़िया मन के राजकाज होही, छत्तीसगढ़िया मन के काम बूता होही, यहाँ के बेरोजगार मन ला रोजगार मिलही, यहाँ के राजनीति में छत्तीसगढ़िया मन हर रही, यहाँ के धार्मिक स्थल में मन में भी छत्तीसगढ़िया मन रही, समूचा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया करण हो ये भाव लेकर के हमार पुरखा मन छत्तीसगढ़ राज के कल्पना करी। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ राज बनी, आप उठा के देख लो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, माने जतका भी क्षेत्र है तेन में गैर छत्तीसगढ़िया मन है प्रभावी ढंग से यहाँ काम करना शुरू कर दिन, छत्तीसगढ़िया मन एक कोंटा में रख दिन। तो छत्तीसगढ़िया मन के अधिकार के लड़ाई कौन लड़ी? कोई राजनीतिक दल लड़ी, कोनो सामाजिक संगठन लड़ी या कोनो धार्मिक संगठन लड़ी? मोला ऐसे नहीं लगे कि ये कोई संगठन मन है एकर बर काम करी। समाज है अपन जात के रोटी बेटी में लगे हुए है, राजनीतिक रूप से टिकट मांगे के चक्कर में लगे हुए, लेकिन मूल छत्तीसगढ़िया मनला छत्तीसगढ़िया मनला छत्तीसगढ़ में ओकर अधिकार कैसे मिली एकर पर ककरो तरफ चेत नहीं है। तो ये सब चीज़ ला देखते हुए जैन छत्तीसगढ़िया वादी नौजवान मन हन तेन मन हम मिल करके छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के स्थापना करें ताकि छत्तीसगढ़ में समग्र छत्तीसगढ़ियाकरण किए जा सके। लेकिन यहू देखे मिलते कि आउटसोर्सिंग के यहाँ बहुत लगभग 18 साल हो गए नया राज्य बने छत्तीसगढ़ ला, बेरोजगारी अगर आंकड़ा की बात करें सरकारी आंकड़ा में ही लगभग 30 लाख से अधिक तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगार मन। सरकार दावा करते कि छत्तीसगढ़िया मन ला लगातार रोजगार देवा थन, स्किल डेवलपमेंट के प्रशिक्षण देवा थन, आखिरी कहाँ है ये सब चीज मन है? सिगुफाबाजी सरासर। जब छत्तीसगढ़ में कोनो भी नौकरी के सृजन होते तो बाहर ले लान करके नौकरी दी। अब ये जो आउटसोर्सिंग शब्द है तेना आज जरूर प्रभावी दिखत है, लेकिन आउटसोर्सिंग ला आप देखो तो जब हम सीपीओ बरार में रहे आज से लगभग 80-100 साल। हाँ, तो जब सीपीओ बरार से मध्य प्रदेश बनी तो विडंबना देखा आप, आउटसोर्सिंग उम्र ले शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कोटा से पंडित रविशंकर शुक्ला, जिन्हा गैर छत्तीसगढ़ी है, गैर छत्तीसगढ़ी भाषी है। फिर छत्तीसगढ़ के कोटा से मध्य प्रदेश के दूसरा मुख्यमंत्री बनी, गैर छत्तीसगढ़ी है, गैर छत्तीसगढ़ी भाषी, श्यामाचरण शुक्ला। ओकर बाद फिर से छत्तीसगढ़ के कोटा से मध्य प्रदेश के तीसरा मुख्यमंत्री बनी मोतीलाल बोरा, गैर छत्तीसगढ़ी है, गैर छत्तीसगढ़ी भाषी। तो छत्तीसगढ़ के कोटा से गैर छत्तीसगढ़िया मन है यहाँ के प्रतिनिधित्व करता था। आउटसोर्सिंग की शुरुआत वो मेरे हो है, आप देखो अब लगातार कोई भी प्रदेश के मुखिया कोनो बनते तो वो जैन भाषा बोलते, जैसन रहन सहन है, जैसे खान पान है, तेरह स्टैंडर्ड बन जाते, एक मतलब आइकॉन बन जाते। तो जब मध्य प्रदेश पहली बनी चाहे मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी बनी तो वो जन भाषा उपयोग करीन हिंदी भाषा, तो छत्तीसगढ़िया मन लगे लगीस कि छत्तीसगढ़ ही है अड़हा मन के भाषा है, हमार भाषा है और हिंदी बोलना उच्च वर्ग मन के भाषा है, जेकर से छत्तीसगढ़िया मन अपन भाषा ला दोयम दर्जा में रख दिन। जैसन चरित्र करते समाज में भी, जैसे आप मोहित भाई ले देखते तो एक समाज के आइकॉन है कि देखो मोहित भाई INDIA 24 में एंकर के भूमिका में बड़े जोरदार है। तो और अन्य जन परिवार के मन की मन है, समाज के मन है, तेन मन का सोचते का देखते मोहित भैया के सही रह कर, मोहित भैया सही गोठिया कर, तब तो तहु हो उसका जन आदमी बन, एक आइकॉन बन जाते। वैसे आइकॉन
जब ये प्रदेश के मुखिया बनिन तेन मन गैर छत्तीसगढ़ी और गैर छत्तीसगढ़ी भाषी मन बनिन तेकर सेती यहाँ के संस्कृति यहाँ के भाषा सब के सब दोयम दर्जम चल दिन और आउटसोर्सिंग से नेता आइन आउटसोर्सिंग से संस्कृति आई ये छत्तीसगढ़ में। अब वो बदस्तूर जारी है आउटसोर्सिंग के प्रक्रिया लगातार जारी है। मैं कोनो राजनीतिक दल के समर्थक न हो न कोनो व्यक्ति के समर्थक न हो छत्तीसगढ़िया क्रांति से न सिर्फ सिर्फ निमगा छत्तीसगढ़िया मन के समर्थक। लेकिन देखो पहली बार जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनी सम्मान्य अजीत जोगी जी तो वो ठीक है छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा नहीं देवाईस लेकिन आम जनमानस में छत्तीसगढ़ी ला बोल बोल के वो ए भाषा ला स्थापित करिस और आम जनमानस में संदेश दे के कोशिश करिस कि छत्तीसगढ़ी भाषा है अढ़ा मन के अनपढ़ मन के गवैया मन के भाषा नो है ये है हमर महतारी भाखा है ये बात के स्वाभिमान जागृत करे के काम करिस निश्चित रूप से। और इस बात आउटसोर्सिंग में मैं वही बात लेकर पहले भी कह कि जो आउटसोर्सिंग से राजनेता आइन तो अपन नातेदार रिश्तेदार मन लगलो राजनीति में खुशे रिन फिर व्यापार करिन व्यापार में भी आउटसोर्सिंग से पूरा पूरा जतका छत्तीसगढ़ में बड़का बड़का है उद्योग है तेन मुला देख लावा आउटसोर्सिंग में ओमा के जो बड़का अधिकारी है जमीन हमारे हमारे से अधिक रहित करे हैं लेकिन हमारे जो बेरोजगार नौजवान मन है तेन मुला बिल्कुल कुछ नहीं मिलते तेन का कुली का बाड़ी और बहुत मुला तकलीफ होते बात सुन के अतेक जान मुखिया है प्रदेश के डॉक्टर रमन सिंह उकर स्टेटमेंट ये है कि छत्तीसगढ़ में जिन रोजगार बर अवसर है तेन उकर लायक नहीं है। 18 साल तोला राजनीति माने यहाँ राज करत हो गए तो शिक्षा प्रणाली का अच्छा नहीं है का कि वो स्तर में आकर के लेकर मन नौकरी पा सके तो अल्टीमेटली दोष कौन लहे तो शिक्षा प्रणाली लहे जिनते 18 साल में इसने शिक्षा नहीं दे पाए कि यहाँ के नौजवान बेरोजगार मन लायक नहीं बनी तो काम मोर लैका मन है अपन खेत ल बेच के कुली कबाड़ी कर ही मोह अब बड़का बड़का में पद में बिहार ले बला ही उड़ीसा ले बला ही राजस्थान ले बला ही मारवाड़ ले बला ही महाराष्ट्र ले बड़ा ही तब मोर लैका मन का करी। छत्तीसगढ़ राज्य के अवधारणा ला पूरा पूरा एमन खत्म करे के कोशिश चलत है। अब देख लो आप शिक्षा के स्तर ला देखो 8वीं तक जनरल प्रमोशन करना है मुफ्त में माने बिना जांगर के पास कर दो आप उकर का क्राइटेरिया है बेसी खराब हो जाए बेस ला खराब करे की जोरदार षड्यंत्र है। जैसे कि आजादी के पहली जिन मन पढ़ाई लिखाई ला हमन ला वंचित रखे रही से ताकि हमन पढ़ लिख मत सकन और अपन अच्छा और खराब ला चिन्ह मत सकन गिना ला जान मत सकन तेकर से शिक्षा से हमन ला दूरिया राखिन। अब जब हम शिक्षित हो के प्रयास करें तो ये सरकार जे ला मैं आउटसोर्सिंग के सरकार ये पाए के की था 90 विधानसभा विधायक में 71 विधायक छत्तीसगढ़िया है 19 भर प्रदेशिया विधायक है लेकिन बागडोर ये 19 मन के हाथ में बाकी मन अछेरी बोकरा है अब ये मन चरवाहा बने हैं। बिल्कुल तो हमर भाषा ला देख लो आउटसोर्सिंग में बंगला भाषा पढ़ा के आदेश कर सकते डॉक्टर रमन सिंह उड़िया भाषा पढ़ा के आदेश कर सकते रमन सिंह अभी एक नवा गुजराती भाषा पढ़ा के आदेश कर सकते रमन सिंह। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपके IND24 चैनल के माध्यम से मोहित भाई काम मोर लैका मल्ला उड़िया भाषा पढ़ा करके रिक्शा चलैया बनाना चाहते कि बंगला भाषा पढ़ा करके मछली धरैया बनाना चाहते कि मोर छत्तीसगढ़ी ही भाषा पढ़ा करके APJ अब्दुल कलाम बनाना चाहते कि आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री अपन महतारी भाखा गुजराती पढ़ के देश के प्रधानमंत्री है और जिन राष्ट्रगान के निर्माण करे है तेन अपन बंगला भाषा पढ़ के राष्ट्रगान के निर्माण करे है और जिन APJ अब्दुल कलाम जिल मैं बार बार बहुत सम्मान से नाम लेता हूं वो अपन महतारी भाखा पढ़ के मिसाइल मैन बनी चे देश के राष्ट्रपति बनी चे तो भाषा है और भाषा ला खत्म करे की कोशिश हुआ थे। अभी आप देख लो मैं आज समाचार पत्र में पढ़े हूं कि अभी राज्योत्सव में नहीं तेन में गुजराती संस्कृति ला स्थापित करी छत्तीसगढ़ में मोर संस्कृति कहां जाही मोर
मोर छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला साक्षात छत्तीसगढ़ महतारी जेल कह सकत हन किस्मत बाई देवार तेन हा दूधी पैसा के गोली बर तरस के मर जाते और छत्तीसगढ़ में करीना कपूर के ठुमका लगवाए जाते। ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया कलाकार में नहीं है, हर हर क्षेत्र में आप देख लो, राजनीति में तय तेली अच तय कुर्मी अच। मैं पूछना चाहता हूं एक चीज आपके माध्यम से, जब छत्तीसगढ़िया मन है राजनीतिक दल में, सभी राजनीतिक दल में टिकट मांगते हैं तो ओमन लकाय पूछते आपके जात के संख्या कतका है ये विधानसभा में, जिन विधानसभा में टिकट मांगा था। बिल्कुल, कुर्मिल पूछी जब टिकट मांगी था, साहुल पूछी जब टिकट मांगी था, सतनामिल पूछी, आदिवासी पूछी, मैंने जतका जतका छत्तीसगढ़िया समाज है, राउत ने पूछी, धोबिल पूछी, जतका भी छत्तीसगढ़िया समाज है। लेकिन जब कोनो पंजाबी टिकट देते तब पूछतेगा तोर पंजाबी कतका कन है, कोनो गुजराती पूछतेगा कि तोर गुजराती कतका कन है, कोनो मारवाड़ी पूछतेगा कि तोर मारवाड़ी कतका जन है। और तो और छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी सिंधी विधायक है उहू तक ला नहीं पूछे कि तोर पाकिस्तानी सिंधी कतका संख्या में, तो संख्या सिर्फ का छत्तीसगढ़िया मन के पूछे जाए, एकर मन के संख्या नहीं पूछे जाए। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया मन ला खत्म करे के षड्यंत्र ये सरकार के और ये राजनीतिक दल मन के चलत है, एकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पुरजोर विरोध करी। लेकिन एकर उपाय का है, आखिर छत्तीसगढ़िया मन ला कब कैसे जागरूक करना है, का हो ही? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना निरंतर बूता करत है एक अति, और एकर सबसे बड़े जिन मूल मंत्र है तेन ये है, जात पात के करो विदाई छत्तीसगढ़िया भाई भाई। जब कोनो बाहर पंजाब ले आते तब वो पंजाबी हो जाते, गुजरात ले आने वाला गुजराती है, महाराष्ट्र ले आने वाला मराठी है, उड़ीसा से आने वाला उड़िया है, राजस्थान से आने वाला राजस्थानी है, मारवाड़ से आने वाला मारवाड़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रहने वाला छत्तीसगढ़िया मन छत्तीसगढ़िया नो है। तो ओमन का है, कोनो तेली है तो कोनो कुर्मू है तो कोनो ब्राह्मण है तो कोनो ठाकुर है तो कोनो आदिवासी है, कोनो सतनामी है, कोनो राउत है, कोनो धोबी है, कोनो कोस्टा है, कोनो कलार है, छत्तीसगढ़िया नो है। तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हा एक बात के बार बार निवेदन करते कि अब छत्तीसगढ़िया बन जाओ, जात के जरूरत कत के जोर पर थे बार बिहाव बेरा में तो उसका जोर बन जाऊंगा जात के, उकर बाद जीवन से लेकर के मरण तक जात के जरूरत कौन जगह पर थे पहले बता दो। तो जात पात के करो विदाई छत्तीसगढ़िया भाई भाई। और ये जो महामंत्र बने हैं तेकर पीछू के बड़ा मूल कारण है, वो का है, सग भाई बहनी होय बर का अहर्ता की जरूरत है, एक महतारी के पेट ले पैदा होना। भाई छत्तीसगढ़ महतारी मोहित साहू के भी महतारी है और छत्तीसगढ़ है अमित बघेल के भी महतारी है, तो हमन एक महतारी के पेट ले पैदा हो गए ना, तो हमन सग भाई हो गए ना, फिर हमर जात कौन मेरा आगे, या तो हमन महतारी मानन नहीं फिर छत्तीसगढ़ ला, सिर्फ महतारी कैथन, और यदि हमार सिरतों में महतारी आए तब हमन सग भाई है। तेकर सेती बार बार ये बात निवेदन करे जाते कहे जाते, जात पात के करो विदाई छत्तीसगढ़िया भाई भाई। एक चीज और है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना इतना पूरा प्रदेश भर में लगातार अच्छा काम करा थे, चाहे वो युवा बर हो, रोजगार बर हो, या जितका भी कठिनाइयां परेशानियां आते छत्तीसगढ़िया मन पर काफी अच्छा काम होते आप मन के। चुनाव आखिर विधानसभा भी चुनाव चलत, सबसे बढ़िया जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़के अपन आप लोग साबित काबर नहीं करवा अपन फिर? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो खीर खाना सब चाहते हैं, मऊ खीर खाना चाहता हूं, आप भी खीर खाना चाहता हो, लेकिन खीर बने की जिन प्रोसेस है तेन कौन मेले शुरू होते, जब किसान है धान बोए बर बीजा छांटते तेन मेरे खीर के प्रोसेस शुरू होते। राजनीतिक दल उदुकले बना लिए, तान खबले चुनाव लड़ लिए और चुनाव लड़के हार गए, और हार एक बात दो किस्म के नुकसान होते, आप मोला वोट दे तो ये कही वोट तो देथन गा जीता तो नहीं, अब मैं हार गया हूं तो मैं काय की हूं, लड़थन तो गा वोट तो दाओ नहीं। तो पहली प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाए, राजनीति करे बर पहली जन जागृति की आवश्यकता है, पहली तो एक हो जाए, जिन छत्तीसगढ़िया मन जात जात में कुटका कुटका में छरिया है
तीन मन सकला तो जाए, एक जात तो बन जाए, छत्तीसगढ़िया तो बन जाए। ओकर बाद कोनो पंजाबी, कोनो सिंधी, कोनो मारवाड़ी, कोनो राजस्थानी, कोनो आन प्रदेश के आदमी आही तेल खेदारे क्षमता हमार में पैदा हो जाए। अभी तक तो हमल कुकुर बिलई कस लड़वा है। मुला मैं तीसरी चौथी कक्षा में एक ठन पढ़े रहे हूं, दो ठन बिलई आपस में रोटी पर लड़त है। तब बेंदरा है आकर की थे, तुमन काबर लड़त हो जी, मैं है तराजू धरे हूं, तौल तौल के बांटो। और ओ दो कुटका करके दोनों तराजू में रख देते बेंदरा, एक डहर ज्यादा होते तो डहर के टोर के खा देते, इति ज्यादा होते थे तीर टोर के खा देते। ऐसे करत करत पूरा रोटी बेंदरा के पेट में और दोनों बिलई लड़ते अच्छे हैं। तो हमन बिलई भूमिका मन भैया हो, और जिन बेंदरा है तेने परदेसिया मन हरे। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ी हमन के ते तेली है जगा कुर्मी पाछू में दौड़े, कुर्मी मन तो गौटिया और तेली पाछू में दौड़ू, कोई गौटिया कोई तेली कुर्मी नहीं, सिर्फ एक जात। बड़े बड़े गौटिया यदि देखना चलो, मैं सिविल लाइन में दिखावा था गौटिया काला की थे, हमार 50 एकड़ भूइया तो और एक ठीन मोटर दोनों बरोबर है, तो बड़े गौटिया कौन हुई। तो जिन बाहर ले आए तेन मन है गौटिया बन गया। आजकल के गौटिया मन के खपरा छानी का खपरा नहीं लौटा सकते, ये स्थिति गौटिया मन के। तो आज के डेट में भैया कोनो गौटिया नहीं, आज के दिनांक में सब एक बरोबर हो गए हैं। अब हमन मजदूर ले खाले चल दे, भूयाला सरकार हमर से बिसा बिसा के ये परदेसिया मन ला फैक्ट्री खोले बर दे दी। अतका साल में अच्छा देखो, धान के कटोरा छत्तीसगढ़ लकत है। अब मैं ननपन ने सुना था कि धान के कटोरा छत्तीसगढ़ है, किताब में हमन पढ़े भी, किताब में हमन पढ़े भी हैं। अब कटोरा काय चीज के प्रतीक के तला समझना आप। जब कोनो लड़का कहीं नहीं कर सके हमारे घर में, तो का कहते हैं हमारे दाई दादा मन, जा 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 कटोरा धर ले, मतलब कटोरा मतलब भीख मांगे के प्रतीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ में आप लोग मैं जानकारी दूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के खुद के 23,000 किस्म के जर्म प्लाज्म है, धान के किस्म है 23,000 किस्म के। पूरा समूचा विश्व में, मैं भारत भर के बात नहीं कर रहा हूं, पूरा विश्व में ऐसे एक जगह नहीं है कोनो में जहां 23,000 किस्म के धान के क्वालिटी हुई प्रजाति हुई, जिन्हें छत्तीसगढ़ में है। अगर यही कहूं आन जगह मृतिश, धान के महासागर, धान के गंगा ऐसे कहे जाते, तो नहीं ये लगा कि है धान के कटोरा। मैंने छत्तीसगढ़ यहां मन के हर चीज ला छोटे करना है, और हम मनो बात ला स्वीकार कर लेते हैं सहज भाव से। अब यह हमारे मन की सिद्धवाई है जे हम स्वीकार कर लेते हैं। मोर लक्ष्मी दाई के कोरा भैया धान के कटोरा, धान के कटोरा मतलब कटोरा महासागर कहिला, धान के गंगा कहिला, धान के कुंभ कहिला, धान के कोठी कहिला, कोठी भी एक बड़े शब्द होते, तो वाला कटोरा में सीमित कर रख दे। तो ये किस्म के जो षड्यंत्र छत्तीसगढ़ में जिन शुरू से चले आवा थे तेकर शिकार हमन हन। और अतका दिन के जो गंदगी है तेनला बाहरे पर थोड़ा बेरा लगी, और हमन वो बेरा ला गोरे पर तैयार हन। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के नौजवान संगवारी मन लौठी धर के वो बेरा ला गोरे पर तैयार है, और घर बैठ के नहीं अगोरे ओला परिवर्तित करे बर कन्हिया टाट करके हाथ में लौठी धर के मैदान में उतर गए। हसवा कांड के मामला हुई बिल्कुल बलौदा बाजार जिला, बलौदा बाजार जिला में आपके कसडोल विधानसभा क्षेत्र है, जेमा यहाँ के गौरी शंकर अग्रवाल विधानसभा के अध्यक्ष के भांचा के गाड़ी में दो छत्तीसगढ़िया मनला उकर बीएमडब्ल्यू कार में रौन दी। अब का हमला ये अगोरना चाहिए कि ये दो जन साहू समाज के गाड़ी में कुचल के मार दिए गए हैं, तो साहू समाज जाके लड़ाई लड़ी, एकर लड़ाई कौन लड़ी, एकर लड़ाई ला तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लड़ी, और गीच लौठी रैली निकाली। एकर परिणाम ये हो कि हसवा कांड के आरोपी ऊपर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुए, ओकर मांग जाए कार्यवाही भी नहीं होती, कार्यवाही भी नहीं हुए। हमारे 3 महीना का अल्टीमेटम हम दे का है, धुर्रा छड़ाओ अभियान अभी शुरू करबो कसडोल विधानसभा में, बिल्कुल विधान करबो, ताकि ये गौरी शंकर समझ जाए कि ये नेतागिरी के दुकानदारी छत्तीसगढ़ में तो नहीं चल सके। वहां के जो हसवा में जो कांड हुई ते में दो जन लड़का मल्ला नौकरी तो मिल गए ठीक है, मतलब अभी
फॉर टाइम बिंग नौकरी दे है, अस्थाई नौकरी दे है, लेकिन दिस तो हम लौठी रैली निकलिस। तो अब एमन के सुपड़ा साहब देखो, डोमी साहब के से डर काबर रथ है, डोमी साहब से डर ए पागृत है काबर की ओकर तीर जहर है, और डोमी साहब के जहर ला कहूं हेर दिए तहां टोटम लपेट ले। वैसे ये परदेशिया मन के जो जहर है तेन हर राजनीति सत्ता है, सत्ता से मतलब बेदखल कर दो, राजनीति से मतलब बेदखल कर दो, तहने मतलब कोनो मेर लपेट लो, कोनो मेर गोड़ में खूंद लो। तो छत्तीसगढ़िया क्रांति से लगातार अच्छा आप वहां के बात ली आप जाना था बसना में, बसना में सन 1857 के पहली के शहीद भारत माता के रतन बेटा छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू लाल शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति टोर के कचरा गाड़ी में फेंक दिन मारवाड़ी मन। तो ओकर लड़े कौन लड़ी, लड़िन बिचारा आदिवासी मन चार महीना रह, मंत्री तिर जाते, मुख्यमंत्री तिर जाते, अपन समाज के बड़का बड़का अधिकारी मंत्री जाते, कलेक्टर कमिश्नर तिर जाते, चार महीना तक मल्ला न्याय नहीं मिली। उड़ियावत उड़ियावत ये बात क्रांति सेना तक पहुंची, क्रांति सेना बिना समय गंवाए कोई हमर वहां चिन्हार के नहीं रही थे, लेकिन एक चिन्हार तो है छत्तीसगढ़िया तो है, और वीर नारायण सिंह ला आदिवासी मन के पुरखा बना दे। देखो आप मतलब हमर पुरखा मन के भी कैसे ढंग के जाति में निर्धारण करे है। तो ओला कौन लड़ी, मतलब आदिवासी मन लड़ी नहीं, ओला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लड़ी, काबर की वो आदिवासी समाज के नहीं, हम सब छत्तीसगढ़िया मन के पुरखा है, और ओकर अपमान हमर मन के अपमान है। ये बात लेकर के गेंद लौठी धर के, और आज आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से आदमकर प्रतिमा वही मारवाड़ी मन के आंखी कागू में तलवार धरे खड़े हैं हमर वीर नारायण सिंह। एक चीज और है अमित जी, प्रदेश में व्यापार के भी दृष्टि से भी देखबन, व्यापार में भी छत्तीसगढ़िया मन बहुत पीछे हो गए है, का वजह मानत हो एकर? सौ तारा की एक चाबी, राजनीतिक संरक्षण के नहीं होना। जेकर तीर राजनीतिक संरक्षण है तेन मतलब फटाफट बैंक लोन दे देते। हमर किसान मन जब लोन ले बर जाते तो तोर ऋण पुस्तिका देखा, तोर नानन कांटा तार बर बोर करवाए बर ओकरो बर हमर किसान मन ला, हमर लइका मन ला जिन मन नवा काम करना चाहते, नवा बूता करना चाहते, शासन के स्कीम के तहत ओकर लाभ लेना चाहते, तेनो लाभ नहीं मिले, कारण राजनीतिक संरक्षण के ना होना। जेकर राजनीतिक संरक्षण है तेकरे परिवार के मतलब, तेकरे समाज के मतलब, तेकरे प्रदेश के मतलब तो मिल ही अधिकार, और जेकर तेरे राजनीतिक संरक्षण नहीं है तेन मन कहाँ करी, कहाँ जाए सिवाय नौकरी करे के और टिकट के लाइन में लगे के। छत्तीसगढ़िया मन है चुनई आते तो टिकिस के लाइन में लगते, और आन दिन में दारू भट्टी के लाइन में लगे। अब देख लो आप, मैं 97 दिन जेल में रहूं, अगर जनसंख्या छत्तीसगढ़िया मन के देखना है 99.9% छत्तीसगढ़िया जेल के भीतरी में, 0.1% परदेशिया है जेल में। एकर मतलब का क्राइम सिर्फ छत्तीसगढ़िया मन करते हैं, परदेशिया मन नहीं करें, जबकि परदेशिया मन ज्यादा यहां क्राइम करते हैं, ज्यादा वारदात करते हैं, बिहार ले आकर के चोरी डकैती करते हैं, हत्या लूट बलात्कार करते हैं, लेकिन ओमन जेल में नहीं जाए, कारण राजनीतिक संरक्षण है ओमन ला। छत्तीसगढ़ मल्ला राजनीतिक संरक्षण नहीं है, विधायक तो बन गए इनका हमर कोनो सुन भी नहीं करे, सांसद तो बन गए इनका हमर तो कोनो सुन भी नहीं करे। तो अब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वो छत्तीसगढ़िया नौजवान पैदा करना चाहते तेकर आवाज ल पूरा अंतिम छोर तक सुने जाही, और दबंगई के साथ में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया राजनीति स्थापित करे। बिल्कुल, लगातार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की भी मांग सबो दल से उठे, चाहे बड़े दल हो छोटे दल हो, का सोचते कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मोहित जी, दुर्भाग्य प्रदेश कि अभी तक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री मांगे नहीं हुए, तब का मुख्यमंत्री मांग हो है? इस बार आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, नहीं नहीं इस बार सतनामी मुख्यमंत्री होना चाहिए, नहीं नहीं इस बार पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और यही मन है मुख्य अतिथि बन के ये मांगल करवाते हैं टंगिया बैठ मंदिर, और उही मंच में जाही
आदिवासी मन के सम्मेलन करी तहने इस बार आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए कहा थे जिन मुख्यमंत्री तेन पाछू में बैठे और मुचूर मुचूर हासत है फिर सतनामी मल सकेली तहन ओकर मन से कहवाही ए बार सतनामी मुख्यमंत्री होना चाहिए फिर पिछड़ा वर्ग ल सकेली तहन कही कि ए बार पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री होना चाहिए और एमन ल न आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए न सतनामी मुख्यमंत्री चाहिए न पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री चाहिए एमन ल एकर मन के बीच में आपस में झगड़ा करना चाहिए झगड़ा कराना चाहते हाँ जेन दिन सबो मिल करके ये कहा कि अब ये बार हमला छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री चाहिए तो कनो माइक लाल में दम नहीं है कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने से रोक सके बिल्कुल वर्ग में बांटे हैं बिल्कुल बिल्कुल एक चीज में वो आप अलग कहा जाए 18 साल लगभग छत्तीसगढ़ बने हैं बिल्कुल युवा है छत्तीसगढ़ समस्या बहुत है चाहे किसान से लेकर युवा से लेकर कामकाजी महिला पुरुष तमाम बहुत सारी समस्या लगातार सरकार के आंकड़ा में भी है कि सबसे ज्यादा जो दुष्कर्म पीड़ित है तीसरा नंबर पे छत्तीसगढ़ है ऐसे कई सारा मामला है 18 साल में छत्तीसगढ़ ला चाहे भाजपा के शासन है चाहे कांग्रेस के शासन है कहां पे देखते हो छत्तीसगढ़ ला उम्र भले 18 साल के हो गए छत्तीसगढ़ बने और छत्तीसगढ़ महतारी के अस्तित्व तो पुरातन काल से है और हमने ला कह सकते हैं कि ये आदिकाल से छत्तीसगढ़ महतारी के वजूद है राज के दर्जा मिले 18 साल हो है लेकिन हम विकास को ती नहीं जातन विनाश को ती जातन रिवर्स गियर लग गए छत्तीसगढ़ मन के कार रोड बना देना नाली बिजली पानी बना देना ही विकास है और काकर बनत रोड है जिन मेर खनिज संपदा है जी हाँ परदेशिया मन के गाड़ी घोड़ा जा सकते हमार खेत ला अधिग्रहित करके चाकर चाकर रोड बना है बड़े बड़े फैक्ट्री खुले है हमार उमेर जगह नहीं है बड़े बड़े स्कूल खुला थे हमार बर उमेर जगह नहीं है सरकारी स्कूल खुला थे लेकिन अच्छा सरकारी स्कूल खुले थे बंद हो गए और दारू भट्टी खुला थे विकास की पैमाना का है मनखे बर विकास कि विकास बर मनखे कायदा मनखे बर कि मनखे बर कायदा नियम बर मनखे कि मनखे बर नियम पहली अलग तय करे लगी रोड तो बन गएगा बिजली बन गएगा और मोर लड़का है दारू पी के जिन खेत में ला बेचे है तेकर पैसा से फटफटी भी सा है रोज भट्टी जाते दारू पियाते और गिर गिर के मरत है दारू बंद करना आवश्यक नहीं हेलमेट पहनना आवश्यक है सरकार अरे पूरा राष्ट्र में देख लो आप सरकार जिन चीज ला मना करना चाहिए बंद करना चाहिए तेन ला खुदे करत है और कथे के हम उन विकास करत हैं तब विकास का कर हुआ थे देख लो आप आज A5 कॉन्ट्रैक्टर एक ठन छत्तीसगढ़िया का नाम बोला बता दो कोनो लोहा कारखाना बड़े जान खोले हुए कोनो छत्तीसगढ़िया एक जन के नाम बता दो कोनो बने असन दलगिरहा मंत्री बने हो ही तेन ला बता दो कतका है छत्तीसगढ़ में हर जगह में आउटसोर्सिंग है हर जगह में बड़े बड़े राम मंदिर बने हैं मेरे देखा आप राम मंदिर बने तो काकर कौन सा भूया बने कहा भूया में छत्तीसगढ़ के भूया में और राम मंदिर के पुजारी कौन है बिहारी ब्राह्मण मना है छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण मन की कमी है छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण मन अढ़ा है काबर नहीं है देख लो आप तो आखिरकार छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया मनबर बने हैं कि गैर छत्तीसगढ़िया मनबर बने हमार पुरखा मन ने सपना देखे रही से छत्तीसगढ़ के तो यही से ती देखे रही इसका कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविन उत्कल बंगा के मन यहाँ आई यहाँ राजकाज कर ही और जैन छत्तीसगढ़िया है तेन मन ओकर मन के नौकर चाकर बनी का यही बर बने हैं छत्तीसगढ़ यही सब चीज ला ठीक करे बर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना बने हैं और दादा भैया काम नहीं बने मोर निवेदन है बहुत हो गए गांधीवादी रास्ता अब हमला शहीद वीर नारायण सिंह के रद्दम रेंग के छत्तीसगढ़ महतारी की आजादी करे लगी अलग छत्तीसगढ़ तो बन गए स्वतंत्र छत्तीसगढ़ बनाए के काम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करी बिल्कुल तो ये थे अमित बघेल जी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष भी हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन भर बहुत अच्छा काम हुआ थे एक जागरूकता के काम चला थे बहुत
जो आने वाला समय है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया मन भर एक अच्छा और विकासशील प्रगतिशील हो, ये हम सब छत्तीसगढ़िया मन के सोच होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।